बैटरी की लास्ट लाइट है वो तो ब्लिंक कर रही है, मगर उसको उतनी पावर नहीं मिल रही है, ये देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल दैट इज सागर्स लाइफ, अवर चैनल नेम। सो एज प्रॉमिस इन लास्ट वीडियो की नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेस्ट द थ्रोटल रेंज ऑफ ईमीरा की। सो जी हाँ, एज यू कैन सी आई एम फुल्ली रेडी टू टेस्ट अवर फुल रेंज। एज यू कैन सी गाइज, मैंने कुछ लोड नहीं लिया है साइकिल के ऊपर, नाइदर वाटर बॉटल भी, कुछ नहीं, जस्ट एज इट इज स्टॉक साइकिल है अपनी, आप लोग देख सकते हो। सो उससे हमको फ़ायदा होगा ट्रू रेंज फाइंड आउट करने में ऑफ ईमीरा की। सो अभी क्या करता हूँ, जैसे मेन रोड पे लग जाता हूँ, आई विल स्टार्ट द किलोमीटर काउंटिंग, टिल दैट आई एम गोइंग टू यूज पेडल्स। सो आप लोग देख सकते हो बैटरी रेंज कम्प्लीटली फुल है और लो मोड पे रख रहा हूँ मैं। सो वी आर गोइंग टू टेस्ट द थ्रोटल रेंज इन लो मोड। सो फ्रेंड्स, ट्रू रेंज का वीडियो शूट कर दो, हो गया एक पंगा। अपना जो एंगल है, जो चेस माउंट मैंने यूज़ किया था इस वीडियो को शूट करने के लिए, दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग चेस माउंट, बिकॉज इसके पहले तो मैं हेड माउंट यूज़ करता था और अपना नॉर्मल एक्शन कैमरा अपना हेलमेट के अंदर रह जाता है। तो साइकिल का रेंज टेस्ट करने के लिए मैंने चेस माउंट यूज़ किया था, बट उसका एंगल जब मैं स्ट्रेट खड़ा था तो परफेक्ट था, मगर जब आप साइकिल चलाते हो तो आप थोड़ा नीचे झुकते हो, तो इस हिसाब से उसका एंगल थोड़ा नीचे की तरफ आ गया। एक छोटी सी क्लिप ऐड कर दूंगा यहाँ पे। सो ही वी गो। सो क्लॉक के यहाँ पे भी किलोमीटर स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। आउटडोर साइकिल, लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी स्टार्टेड, 17:33 को स्टार्ट किया हमने। यहाँ पे आपको स्पीड भी मिल जाएगा और कितना डिस्टेंस से कवर किया हम लोग ने वो भी आपको देखने मिल जाएगा। सो हियर वी गो। एज मैं यहाँ पे कोई भी फ्लाईओवर क्लाइंब नहीं करने वाला हूँ, सो स्ट्रेट प्लेन रोड के ऊपर चलाएंगे, तो उससे हमको प्रॉपर रेंज पता चलेगी ऑफ ईमीरा की। सो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड हुआ है, चाहिए तो ये पूरा वीडियो में वापस शूट कर सकता हूँ, बट मैंने देख ली है पूरी क्लिप। जो स्टार्टिंग के 11 किलोमीटर तक ये एंगल ऐसा था, उसके बाद जब वहाँ पे मैंने रुक के एक फोटो खींचा था फॉर द थंबनेल ऑफ दिस वीडियो, उसके बाद ये एंगल परफेक्टली हुआ है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव सम स्मॉल आइडिया अबाउट क्या हुआ इस 11 किलोमीटर में। जो मैंने यहाँ से सर्विस रोड लिया, उसके बाद हाईवे पकड़ लिया, वहाँ पे सीधा सीधा जाके पुलिस चेक पोस्ट भी मिला वहाँ पे। लकीली पुलिस चेक पोस्ट वाले वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, तो मुझको वहाँ पे रुका नहीं, मैं स्ट्रेट आगे चला गया। और BPCL टू माहुल विलेज करके एक रोड है जो प्राइवेट रोड है ऑफ ट्रस्ट, वहाँ पे मैं साइकिल लेके गया। नॉर्मली वहीं पे लेके जाता हूँ साइकिल ऑन एवरी सैटरडे ऑन संडे इवनिंग। सो वही जो मेन बेस्ट रोड है वहाँ पे जाके पूरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, पूरा ओपन रोड है वहाँ पे। एक क्लिप्स भी आगे दिखा दूंगा। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार। सो दिस इज कॉल्ड सॉल्ट फार्मिंग, जो जाड़ा वाला सॉल्ट रहता है ना, तो ऐसे ही बनाते हैं ये लोग। बस ये मुंबई का एक कोना बाकी रह गया जहाँ पे लोग ऐसे यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं तो यार मुंबई में जगह है किधर, ऐसे बड़े बड़े टावर बन गए यहाँ पे हर जगह पे। तो अपना फोटो भी आ गया अभी यहाँ पे। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर राइड। बट मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर आस्किंग अबाउट द सीट हाइट, देख लीजिए ये सीट हाइट में इतनी यूज़ करता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये सीट यहाँ तक नीचे थी, बिकॉज नॉर्मल एवरी वीडियो में जब शूट करता हूँ तो उसकी सीट नीचे रखता हूँ, बिकॉज फ्रेम में परफेक्टली बैठ जाती है। अपने किलोमीटर हो गए हैं 8.17 किलोमीटर हो गए, 23 मिनट्स हो गए। सॉल्ट का फार्मिंग होता है वहाँ पे, तो टोटल ओपन एरिया रहता है। सो वहाँ पे जाने के बाद दो राउंड मार दिए मैंने वहाँ पे, और उसके बाद 11 किलोमीटर हो गया था, और उसके बाद आगे की क्लिप अभी आपको देखने मिल जाएगी। सॉरी फॉर दैट यार, दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग, सो दैट्स वाई। अगर इन केस आपको चाहिए तो मैं वापस एक बार टोटल का पूरा वीडियो वापस शूट कर दूंगा, नो वरीज आप लोगों के लिए, तो यार कुछ भी। ऑलराइट, सो एक एक्स्ट्रा राउंड मैंने मार दिया था यहाँ से आके, यू टर्न मार के वापस आ गया हूँ। दो बार दिख रहा है यहाँ पे अपनी किलोमीटर, देखते हैं 11.19 किलोमीटर हो गए हैं, 31 मिनट्स पास। सो दो बार अभी यहाँ पे है, अभी मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, लेट्स सी रास्ते के ऊपर चेक करते हैं। तो दो बार में एग्जैक्टली नहीं पकड़ सकता हूँ उसको, नहीं तो कैलकुलेट कर लेता था कि 5 out of 2 ही बाकी है, तो रिमेनिंग 3 बार में हमारी कितनी गई है। स्पीड ब्रेकर, हमको इसका एग्जैक्टली
रेंज पता करनी है तो टोटल बैटरी ड्रेन होने की राह देखेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कितने किलोमीटर यहाँ पे हो गए हैं। देख यहाँ पे कोई भी क्लाइंब वाला रोड नहीं मैंने नहीं लिया है, स्ट्रेट रोड लिया है। हाँ थोड़े बहुत तो आते रहते यार, तो मुंबई में कोई भी रोड पे जाओ उतना तो आपको क्लाइंब और स्लोप तो मिलेगा ही। एज यू कैन सी ये थोड़ा क्लाइंब है, तो यहाँ पे एक बार के ऊपर आ गया है, तो जैसे रोड सीधा हो जाता है वो दो बार पे आ जाएगा वापस। ये देख लीजिए दो बार हो गए और ये हमारे 12 किलोमीटर हो गए हैं। एक ब्यूटीफुल जगह दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल है ये जगह। एक जस्ट छोटा सा लेक है, ब्यूटीफुल सनसेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है हर वक्त जब भी मैं आता हूँ। इस जगह के फोटो भी मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हुए हैं। इफ यू गाइस हैवंट फॉलो मी ऑन इंस्टा आई विल रिक्वेस्ट टू डू फॉलो मी ओवर देयर। उसका टू बार नहीं हो रहा है किलोमीटर्स, 13 किलोमीटर हो गए अपने। फ्रैंकली दोस्तों ये हाथ दुखने लगा यार, इतने देर तक टोटल पकड़ के रखने का, कहीं वापस वो खराब ना हो जाए। एज यू गाइस अवेयर एक बार हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया है उसको, कोई नहीं आप लोगों को ट्रू रेंज देने ही तो उतना तो बनता है। अभी ये दो बार पे नहीं गया है बहुत टाइम से, तो दैट मीन ये एक बार पे रह गया है। वैसे तो ये रेंज टेस्ट करने के लिए उसको इस साइकिल को थोड़ी बाहर लेके जाना था, जस्ट लाइक न्यू बॉम्बे वाशी के यहाँ पे पाम बीच रोड पे, तो जाते हो अपनी टेस्ट भी हो जाती है और आते हो पूरा साइकिलिंग भी हो जाता है अच्छी तरह से। बट यार इस लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता साइकिल को लेके, तो अभी वापस हाईवे पे आ चुका हूँ मैं। देखो मुझे लगता है और भी बैटरी है इसके अंदर, भले वो ब्लिंक कर रहा है मगर उसके अंदर और भी पावर है। तो किलोमीटर अपने हो गए 20.72 किलोमीटर। ये टेस्ट हम कर रहे हैं फ्रॉम अराउंड एक घंटा होने आया, 21 किलोमीटर। किलोमीटर चेक 21.51, समय हुआ है एक घंटा एक मिनट 21.98। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो फुल थ्रॉटल दिया है मगर साइकिल का स्पीड उतना नहीं है जितना पहले था, ऐसे इसको पावर कम मिल रही है ऐसे फील हो रहा है मुझको। फुल थ्रॉटल दिया हुआ है बट उतना फास्ट नहीं जा रही है जितना अभी जा रही थी। सो ये है 22.43 किलोमीटर बट स्टिल थोड़ी थोड़ा जा रही है। सो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हो तो बैटरी की लास्ट लाइट है वो तो ब्लिंक कर रही है मगर उसको उतनी पावर नहीं मिल रही है। ये देख लीजिए अभी आपके सामने पूरा थ्रॉटल में थोड़ा पुश कर रहा हूँ, ये देख लीजिए और आगे नहीं जा रही है बस इतना ही। ये देख लीजिए छोड़ दिया, वापस एक बार ट्राई करता हूँ, ये देखिए बस इतना ही उसके बाद उसने छोड़ दिया। सो ऐसा नहीं कि टोटल ये लास्ट इंडिकेटर बंद हो जाता है, ये ब्लिंक होते ही रहता है, आगे नहीं जा रही है बस। ये देख लीजिए कुछ ब्रेक नहीं दबाया मैंने, कुछ नहीं छोड़ दिया, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए बस जस्ट इतना सा टायर आगे जा रहा है दैट्स इट, उसके बाद आगे नहीं जा रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ अवर फाइनल ट्रू रेंज, इट्स 22.67 इन फुल चार्ज, दैट्स इट इन फुल चार्ज आपकी मेरा की 22.67 किलोमीटर तक चली जाएगी। सो टाइमिंग है 1 hour 7 minutes, यहाँ पे इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, दैट्स इट एंड वर्कआउट ट्रू। सो दैट्स द रियल परफॉर्मेंस ऑफ मेरा की फ्रेंड्स। जाता है इसकी पावर ने बंद कर लेता हूँ, बंद किया बंद हो गया, वापस ऑन कर लेता हूँ, वापस इसको ऑड कर लेता हूँ, ये हो गया ऑन। देखते हैं थ्रॉटल मार के, अभी थ्रॉटल मैंने पुश किया कुछ नहीं हो रहा है देख लीजिए। सो टोटल अपनी बैटरी ड्रेन हो चुकी है। सो फ्रेंड दैट्स इट इन दिस वीडियो, 22.67 इज द किलोमीटर रेंज फॉर थ्रॉटल ऑफ ई मीरा की। ऑन ऑल ऑफ योर रिक्वेस्ट ये वीडियो मैंने शूट किया है इन लॉकडाउन कंडीशन, आप लोगों ने तो देख ही लिया। सो इफ एनी आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा रहे हो तो डू हिट दैट लाइक बटन।
एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, देन आई विल रिक्वेस्ट यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ब्यूटीफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल के ऊपर आते रहते हैं। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, ऑलवेज योर हेलमेट। देखिए हमने साइकिल पहनते हुए पहना है, सो ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड हाँ प्लीज स्टे सेफ फ्रॉम दिस कोविड थिंग। सी या। देखिए पेडल असिस्ट में भी ट्राई कर रहा हूँ, कुछ हेल्प ही नहीं मिल रही है मुझको। मीडियम मोड पे, अभी हाई मोड पे कर दिया मैंने, ये देख लीजिए कुछ नहीं, पूरी ताकत लगानी पड़ रही है मुझको। सो अपनी